हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग को माइट बी एक एसएमएस आ रहा होगा या एक मैसेज आपको मोबाइल पे रिसीव हो रहा होगा जिसमें ये लिख के आ रहा होगा कि आपको अपने एडमिट कार्ड का फीस पे करना है। उसके बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं कि आपको फी पे करना है या नहीं करना है। बट इससे पहले जो है फी पेमेंट करने का कोई रूल्स नहीं था सीबीएसई में, तो ये जो है आप लोग को जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं आ रहा होगा। तो अब जानते हैं कि क्या इसकी सच्चाई है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को लास्ट डे मैसेजेस करके बताया कि उन लोगों को एक मैसेज आ रहा है जिसमें ये लिख रहा है कि आपका जो है ड्यू फीस जो है वो आप पे करो, अदरवाइज आपको एग्जाम में अपियर नहीं होने दिया जाएगा। वो इस स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख लो, ठीक है। तो इसमें जो है एक जब हमने एनालिसिस किया इस पूरे का तो इसमें पता चला है कि ये फेक था। आप लोग का जो नंबर है, जो भी बच्चे प्राइवेट में आप लोग हो तो किसी ऑफिसर्स ने ही या कोई भी ऐसे लीक किया होगा आप लोग का नंबर, जिससे कि जो भी स्पैमर है उसको ये चीज़ पता चल गया और सीबीएसई का ये कॉपी वेबसाइट क्रिएट करके और वहाँ पे वो आपसे फीस चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह के कोई भी फी पे नहीं करना है। मैं वैसे एसएमएस यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो लगा रहा हूँ बट वो वेबसाइट का थोड़ा सा पार्ट मैं हाइड कर दूंगा जिससे कि आप टेस्ट करने भी ना जा, पता चला फियर में जाके आपने पेमेंट भी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये लाइक सीबीएसई ने नहीं मांग रहे। अगर सीबीएसई एडमिट कार्ड का कोई भी फीस चार्ज करता तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जरूर आता है। किसी भी तरीके का अगर इस तरीके का होता है तो वो लोग नोटिफिकेशन जरूर जारी करते हैं। एंड बात रही एलओसी वगैरह के लिए, तो एलओसी सीबीएसई प्राइवेट का केवल रीजनल ऑफिस तक सीमित रहता है, उनको एलओसी जारी नहीं करना होता है पब्लिकली। तो जैसे एलओसी होता है स्कूल को भेजी जाती है कि भाई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ये हैं और ये एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, बट आप लोग के केस में इसकी जरूरत नहीं होती। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है और ना ही अगर आपने से कुछ बच्चों ने अगर पेमेंट कर दिया तो कोई बात नहीं, बट इसको इस स्पैम में आपको डालना है। और जो बच्चों ने पेमेंट नहीं किया है तो वेल एंड गुड, और किसी को अब मैसेज इस तरह का आएगा तो आपको पेमेंट नहीं करना है। इससे पहले कभी भी सीबीएसई ने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड के लिए कोई चार्जेस अलग से नहीं लिया है, तो अभी आगे भी नहीं लेगा और लेगा भी तो आप लोग को प्रॉपर एक अप्लीकेशन और एक नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। इस तरीके के मैसेजेस अभी तक तो ज़्यादातर जो बिहार झारखंड के स्टूडेंट्स हैं उनके पास आया, जो भी बच्चे सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट में अप्लाई किए थे। कुछ बच्चे जो आउट ऑफ सिटीज़ हैं उनको आया होगा माइट भी, बट उनके साइड से मुझे भी कोई कन्फर्मेशन नहीं आया। कोई भी स्टूडेंट्स मतलब आउट ऑफ बिहार और झारखंड का मेरे को मैसेज करके ये नहीं बताया कि उनको इस तरीके का कोई भी मैसेज आया था। तो अगर आपके पास अब आता है तो भी आपको कोई फीस पे नहीं करना है, और अगर इस तरीके कुछ आता है आपको तो आप सीबीएसई को रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये मेक श्योर कर लेना कभी भी पेमेंट करने से पहले कि वो वेबसाइट ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। सीबीएसई का वेबसाइट आप जानते हो क्या होता है, cbse.gov.in, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ नहीं है। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।